हेलो एवरीवन, क्या सब सभी लोग। और आज के सुहाने दिन के साथ हम लोग शुरू होना सब ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। सब लोग लाइक करो और हम लोग मिलते हैं सीधा रास्ते पे। हेलो गाइस, अभी शुरू हो चुका है सीधा रास्ते पे ब्लॉग। और ये आ गई सुबह सुबह, इसके दर्शन हो गए। और हैरियर तो हमेशा लगी रहती है यहाँ पर। ऐसा ही घर चाहिए, एकदम ऐसा ही चाहिए। बहुत सही घर लगता है ये। ईवी देख रहे हो, ईवी जब चार्ज होती है ना तो उसकी जो ग्रिल है ना वो कुछ ज्यादा बढ़िया। क्या बोल रहा था भैया, बहुत सही दिख रही थी। इंटीरियर देखा? इंटीरियर नहीं देखा, बस एक्सटीरियर ही देखा है मैंने। इंटीरियर तो गाइस यार, मैं देख रहा था कि अपने जो वीडियोस है उस पर काफ़ी ज़्यादा कम व्यू आ रहे हैं। उसके थोड़े से मैं शॉर्ट्स डालूंगा। प्लीज़ इन सबको लाइक करना और इन सब जितने भी अपने वीडियो है सबको शेयर वेयर करो यार, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मन बैठ जाता है, ऐसा लगता है वीडियो ही ना बनाऊँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई साहब, क्या रेप्लिका है ये बहुत सही लगती है ये। भाई चलो सामने गाड़ी आ रही है, मैं इधर गाड़ी दिखा रहा हूँ। अच्छा तू था भाई, तो साले दिखा गया होता। अरे खत्म, अरे वो गाड़ी वाला भी आवाज़ नहीं बजा रहा। हाँ उसको सोचा होगा मैं को डिस्टर्ब करूँ। देख रहा है क्या सिनेमैटिक लुक में इसने टर्न लिया है। हाँ। एकदम शार्प टर्न। स्कॉर्पियो कुछ नहीं बोलती है, हमारे टॉर्क के आगे सब फेल है। स्कॉर्पियो बस इतना ही बोलती है। अरे कुत्ता भाई, डर लगता है तुझे। एडिटर भैया, इसमें रील डाल देना वो कुत्ता वाली। okay, वो नहीं टेन डेन 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 करके आता है। okay, वो वाली। तो 3 2 1 कुत्ते वाली रील को प्ले करा जाए। तो इस रील देख के आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा होगा, कुत्ते वाली जो मैंने एडिट करके डाली है। भाई साहब, हर एक राइडर को उससे डर लगता है, पर मैं तो साइकिल राइडर हूँ, इसकी वजह से कन्विंस हो जाता है। ये देख रहा हूँ, ये मर सकती है। अरे भाई यार, पहले किस किस बच्चे से मुलाकात हो जाती है वे टाइम टाइम पे। क्या जब साला रिकॉर्ड कर रहा रहता तो भी बहन चो हल जितने जान पहचान वाले रहते उन सबसे मुलाकात होती है। चल कोई बात नहीं, चलो ये लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखता हूँ नहीं क्या मेरा ऐसे OIS लगता है मेरे को भी लेना पड़ेगा मैं OIS वाला बहुत। तो गाइस ये देख रहे हो, प्राइवेट स्कूल है एकदम विजडम, हमारे यहाँ का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कूल है। लेकिन 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 इसी स्कूल को ना कोई भाव नहीं देता, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्टल जैसा है, गू जैसी लाइफ है इसके अंदर। बच्चे लोगों को सामने से आप लोग समझ लो गाली दे के भाग जाओगे तभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही चूती है। तो मैं क्या करूँ, अब बेंचों वैसा ट्यूनिंग करना था बच्चों को पेरेंट्स ने, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग के यहाँ पे तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हम दोनों, बस कॉलेज भी अपना प्राइवेट है। OP से जा रहे हैं, घूमते हुए मेरे साइकिल पे, और घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं बिना किसी कुछ भी पैसा नहीं लगता हम लोग को जाने में। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं आने जाने के विषय में।
अरे ये हो करने लग गया सला। अब तो हर दीवाना भिखमंगा चूतिया लगता है। मैं तो कहता हूँ मादर चुत को भाग बोसली बोले। इतना बोल के हर किसी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं रुकता ही नहीं हूँ। अर्पित बालक है ऐसे भाई, गेमिंग करने बैठो पहले गाली बकचोदी कर लो, पहले फिर व्लॉग बनाने बैठो पहले गाली गलौज कर लो। मजा आता है सला, स्ट्रेस कम हो जाता है आधे से। तो दोस्तों मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि अपना जो व्लॉग है मैंने देखा एक बार, काफ़ी ज़्यादा हिलता है, तो फिर उसके लिए कुछ उसका कोई सॉल्यूशन बताना हिलने का, फिर मैं स्टेबल करूँगा उसको, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब भाई सब कल्लू कुत्ता हुआ भाई, फिर कर भाग गया अकेले अकेले। नॉन्डो के साथ थोड़े रहता हूँ मैं तो नमूनों के साथ रहता हूँ। रुकाएंगे पहले, फिर बोलेंगे चलो गाइस चलो चलो गाइस गाइस करके बोलेंगे भाई। ये भी कोई बात है बता दो नहीं जाते। वन हैंड ड्राइव में भगाओ एकदम खतरनाक। डेली सी मिस आउट डेली की तो बता कर रही है, जब तक से निकल ले अबे इस बार रील वाला नहीं हुआ बे। मैंने रिकॉर्ड करा रहता है रील वाला, एकदम खतरनाक लगता है। ये देखो गाइस ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए सब लोग लाइक करो, बेचारा लाइक की भीख मांग रहा है। और बोले सब लोग कमेंट भी करना, ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का। मैं नेम डालूंगा ला 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 भाई साहब छत्रपति शिवाजी महाराज।
तो गाइस यार मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा खुद का, तो शॉर्ट वीडियो के अंदर का डिस्क्रिप्शन खोल के चेक कर लेना, अगर कमेंट खोल के चेक कर लेना तो मैं इधर का देख रहेगी अपनी शॉर्ट वीडियो की, देख लें हमको वीडियो दोनों दोनों वीडियो में क्या फ़र्क पड़ता है। क्या मेरा नल्ला भाई भी रुके हैं आज की बाइकर ने टक्कर भी मार दी है। तो गाइस यार सामने देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में राइड नहीं कर पाऊँगा, तो फिर इसी यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। और जिन जिन को भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी रद्दी भर भी अच्छा लगा तो सभी लोग लाइक कर देना। देख रहे हो कैसे निकालना पड़ रहा है, देख रहे हो के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। एक आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को बढ़िया लगेगा, लगा होगा। कुछ कैमरा ब्लर आ रहा है क्या? कार्तिक रुकना ज़रा, रुकना। तो गाइस यार मैंने सोचा ब्लॉग एंड करने से पहले ये दिखा लूँ, द बीस्ट भाई बहुत खतरनाक है, रोड के उस साइड लगा, नहीं तो बहुत भारी लग रहा है। अगर आप लोग लाइव देख पाते काश तो फिर बहुत अच्छा लगता। अब मेरे पास वहाँ जाने का तो टाइम नहीं है, मेरा दोस्त तो बोल रहा है वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा। सभी लोग लाइक करो। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं इस मॉडिफाइड बीस्ट के पास। ये बीस्ट कुछ ज़्यादा खतरनाक है, देख रहे हो कितना भारी करके रखा है भाई साहब, उससे एकदम स्पॉइलर वॉयलर टर्बो टर्बो सब कुछ भरा पड़ा है गाड़ी में। ये है JDM बीस्ट, बाकी सब तो बच्चे हैं JDM के नाम पे इसके सामने। भाई जो ट्यूनिंग होती है ना इसके अंदर, स्पॉइलर दिखाया क्या? दिखाया ना भाई।